ठीक है बेचारा। हाँ ये सो गया है। किधर सो? ए उठा उसको। वो कैसे मरा? बीमार था ना कल से। अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। तो शुरू करते हैं विलाग। विलाग भाई साहब आज बड़ा भूखा भूखा है। भूखा भूखा सा क्या करे बंदा यार ना। गैस खत्म हो गई थी कल शाम को और बेगम ने ऐसे मुझे सस्ती सा बताया नहीं, लेकिन मजाल है कि भाई खाने अब खाने का टाइम है। प्याज हमारा देखो जी कटे हुए यहाँ पड़े हैं माशाल्लाह। दूध हमारा यहाँ पड़ा है और तवा हमारा खाली है। और गैस वाले को फोन किया वो कहता मैं अभी बड़ा दूर हूँ। हाँ और क्या भूख बड़ी लगी हुई है। पेट में से वो आवाजें आ रही है मुझे। और एक और बात भी है, गंदम आ चुकी है बिल्कुल नमी न को। और नई गंदम के साथ एक और बड़ा इशू होता है, अक्सर पेट खराब होता है, पेट में गुड़गुड़ होती है। हाँ ऐसे ना वलेट से उठते हैं। बिल्कुल आपको उठते हैं? हाँ जी। मैंने कहा शहरी के भी वो शहरी रोटी खा लेता है 3 टाइम, उसको भी ज्यादा होती है। ओहो ये हफ्ता रहती है, हफ्ते तक ठीक। लेकिन दवाई तो लेनी पड़ेगी भाई साहब। हम मेरे साथ भी सेम सूरत हाल ये है कि गांव में नई गंदम आए वो फ्रेश होती है ना, थोड़ी सी गर्म होती है, हीटेड होती है। तो पता हीट वाली होती क्या चक्कर। तो मैंने इनको कहा कि भाई साहब दो शोके बनाए तो जरा ठंडी हो जाएगी। आटा भी धो के बनाओ। नहीं नहीं गंदम धो के पिसवाते हैं ना। अब हमारी अपनी गंदम तो है ना। खैर भाई साहब अभी चलते हैं, हम तो दानों वाले हैं। अभी चलते हैं हम अपने मिनी जू की तरफ। और आप लोग नहीं अल्लाह का नाम लो, मिनी जू नहीं, पहले गैस वाले का पता करो। यार गैस आए जाएगी, जब बंदा आएगा तो आएगी ना। मैं उनका बेचारों का तो पता शोर करूँ ना। चलो ये फूड उसको दे। हाँ तो फूड खिलाया कर ना, तू यहाँ बैठ रहता है। कैट को फूड भी नहीं खिलाता। हाँ उसको उठा लेता है, फूड नहीं खिलाता उसे। हाँ चल क्या है उनको देना। अच्छा जी मुझे हाँ ये उठा, एक एक लूट मत दो, सारा ना दो। नहीं कुछ होता इतना बड़ा। ये भी ले जाओ। ये क्या है? ये मुर्गियों को डाल देना, नीचे रोटी है। वो ब्लैक की और ओरियो के कमरे में घुसी हुई है। हट पीछे इनको निकालने दे। वो ब्लैक की और ओरियो कहाँ चढ़े हुए हैं छत पे? आ जा भाई। कवर 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 आ जा ब्लैक की। हाँ खिला इसको, दे इसके मुंह में, उसके मुंह में दे सुंदरे के। सुंदरे चारे पे ना चढ़ ना, चारे पे ना चढ़। खा रहा है इधर, पीछे पीछे ले आया ये इधर पीछे। हो खुद आ जाएंगे। हाँ वो आ जाएगा। उसको खिला, उसको दे, उसको दे। उधर से ले भाई, उधर से ले। उसको नहीं पता ना, अभी खाने दे इसको। लेकिन हमने डॉक्टर ने कहा था ज्यादा नहीं खिलानी। हाँ ज्यादा खिलाने से कहते वो डायरिया डायरिया हो जाता है। छीन लिया उसने, ले लिया उसने, छीन लिया उसने तेरे से। ओ लगड़ बगड़ ने तो छीन लिया। ले 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 ले। इसको बड़ा शौक होता है हर चीज खाने का। खा ले यार थोड़ा सा। शहर इधर तू, चूजा किधर है? क्या एक चूजा पीता तू? चूजा कोई नहीं, तू चूजा किधर है? हाँ इधर देख, इधर तो नहीं है, तेरे पास था कल तो, तू लेके फिरता था। हाँ? ये सो गया है। किधर सो? ए सो उठा उसको, ठंडा ठोकना ठोकना सो गया है। क्या हो गया? इसको देख। हाँ? ये मर गया अभी। मर गया है? हाँ। मर गया है। ये कल आपने दबाया तो नहीं कहीं? मैंने दबाया तो कुत्ती नहीं मिला ये। हाँ?
ये देखो हाँ? मर गया ना मर गया ये मर रहा कैसे था अब आपको पता है ये भाई सब मर गया है लेकिन कल से इतना बड़ा लगा था मैंने मेडिसिन भी दी लेकिन इस पर असर नहीं हुआ ये था ब्रायलर इसको ना हमने दोनों को ना लगड़ बगड़ रखा हुआ था अब एक फिर था वो देखो एक फिर रहा है और एक ना बेचारा का ना ये मर गया फौत हो गया बेचारा हाँ कल बड़ा डिस्टर्ब था ये रात को ही फौत हो गया फिर आ जा सुरेश शहरी आ जा उसको ना छेड़ अकेला है ना हाँ अकेला रह गया दो भाई थे ये हाँ खेल मिल के खेलते थे अब ये अकेला रह गया अच्छा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे रो रहा है ना हाँ फिर अकेला रह गया वो देखा ना हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे छोड़ दो नहीं ऐसे नहीं मैं इसको रख देता हूँ दबा देते हैं मट्टी मट्टी में दबा देते हैं मट्टी में मर गया नहीं नहीं दिखाना आप नहीं है ना बस बता देना कि मर गया है ठीक है यहाँ पे हमने इसको दबा दिया जी आप लोग क्या कर रहे हो इधर आपको लगड़ बगड़ मर गया और क्या सच्ची वो कैसे मरा बीमार था ना कल से दिखवाया तो था नहीं आपने किसी को नहीं दवाई तो ले आए थे दवाई भी दी थी मैंने इसे फिर भी नहीं ठीक हुआ आ जा शहरी अब चलें घर अच्छा 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 चलो भाई अंदर जा रही जा रही जा रही अरे जा रही चलो चलो वो भी पर वो भी चला जाएगा इधर आना वो खुद जा जाएगा चल 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 रुक 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 उसको इधर से ले आ चल चल उधर रुक उधर रुक चल जा चल जा चल जा चल जा चल बंद कर दे इतने सारे कवे आ गए हैं और ओरियो और बंटी को परेशान हो रही है ये देखो वो उसकी दुम के साथ खेल रही है अच्छा भाई साहब ये हमारे साथ आजकल सीन चल रहा है कि ना एक हमारे साथ नहीं बाकी मैंने जू वाले देखे हैं उनके बाढ़ भी बड़े मर रहे हैं किरंदे मर रहे हैं बड़े बाढ़ मर रहे हैं खरगोश हैं इस तरह के ना आजकल है गर्मी गर्मी का सीजन तो इस गर्मी में ना मेरे ख्याल में यही हालत होती है और ये बेचारा अकेला रह गया अब बेचारा अकेला रह गया इसको कहाँ से ला ये ना जब रात को सोते हैं ना तो ये अपनी जोड़ी के साथ ना सर मिला के सोता है ये तो है सोते हैं अब या तो इन इसको उनके साथ छोड़े ना, ना वो तो मार देंगे वो बड़े सारे हैं उसका या फिर उनसे एक पकड़ के ले आओ हाँ उनका पकड़ के ले आओ एक ऐसे ही बनेगा ये मर रहे हैं बेचारों के उनके भी मर रहे हैं हाँ, सारी मुर्गियाँ चूजे जो है ना कोई बीमार हो जाता है अगर कोई मैंने विलाग देखे थे हर विलाग में किसी के कोई तोता मरा होता है किसी का कुछ मरा होता है मैं हालांकि यकीन करें बड़ा अफसोस होता है बड़ा दुख लगता है कि यार जिंदा चीज है और मतलब ये बड़ी जब आप इनकी केयर शेयर करते हैं तो इनसे प्यार भी बड़ा हो जाता है और बड़ा दिल करता है ना इनके साथ बंदर का और एक चीज ये तीन थे एक तो बचपन में ही चला गया ना जब छोटा था अब ये दो फिरते थे अच्छे लगते थे साथ अब ये अकेले का दुख होता है कि भी अकेला रह गया और क्या ऐसे ही तो बहरहाल जी ये बड़ा तकलीफ देह होता है और एक चीज और भी मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक और जबरदस्त सीन ये होता है आप बर्ड्स में किरंदों में एनिमल्स वगैरह में रहते हैं ना इस तरह के तो आपका स्ट्रेस बड़ा कम होता है आप बड़े खुश खुश रहते हैं इनकी ना साउंड सुन के इनकी मतलब अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को डिप्रेशन है हाई ब्लड प्रेशर है या कोई इस तरह का कोई भी सीन है ना तो आप ना एक दो चीजें घर में रख लो कोई बिल्ली कोई कुत्ता कोई बकरी कोई बकरी का बच्चा खरगोश रख लें वो बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं ये मेमने अच्छे होते हैं लेकिन जो वेले लोग हैं और डिप्रेशन में हैं वो इस तरह के कोई ना कोई काम जरूर कर ले तो बस सिर्फ एक चीज की दुआ ये करें कि इस तरह मराने वाला काम जरा कम हो बाकी ये बर्ड्स होते हैं ये आपको पता है ये ऐसे चलता है इनके साथ ये कोई मरता है कोई जीतता है कोई इस तरह चलता है तो इंसान भी ऐसे ही है खैर आप लोगों से भी लेते हैं इजाज़त इस अफसोसनाक खबर के साथ कि आज के दिन हमारे साथ एक फिर सैड मतलब ये ट्रेजेडी हुई तो नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी जा रहे हैं खुश रहें मुस्कुराते रहें जैसे दुआएं करें नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी तब तक अल्लाह हाफिज़ अब मेडिसिन की बारी है इनको थोड़ी थोड़ी मेडिसिन देते हैं मेडिसिन नहीं ये समझ लें कि एनर्जी ड्रिंक है
तो इससे इनमें ना काफ़ी भी ताकत रहेगी, तो ये इन दोनों को देनी है। खाते देखो चारा, इनको आज नहलाना धुलाना भी है।